राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी, और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि जब ये AIMIM शहबाज अहमद खान यानी शहबाज भाई का लाइव आता है तो उसके बाद मेरा एक एपिसोड आता है जिसका नाम होता है ईंट का जवाब पत्थर से। तो साथियों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस खास एपिसोड में। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कल 3 तारीख को शाम को शहबाज भाई का लाइव आया 18 मिनट का। तो ये खबर मैंने काफ़ी लेट नाइट मैंने ये वीडियो देखा और उस समय तुरंत मैंने लीगल टीम को संपर्क करने की कोशिश की। उस समय मेरा संपर्क नहीं हो पाया, इसके लिए मैं तमाम सवालों का जवाब नहीं दे सका और रात को ही मेरा एपिसोड नहीं आया। लेकिन अभी मैं जिस समय यह वीडियो बना रहा हूँ मैंने लीगल टीम से 20 मिनट बातचीत की है, उसके बाद मैं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहबाज भाई का ये कहना है कि इनकी लीगल टीम, इनकी टीम जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेमो डालने के लिए तो उन्होंने कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो वकील हैं वहां पर अवेलेबल नहीं थे। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहबाज भाई पूरी तरीके से सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। कोई इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रार का ऑफिस पूरी तरीके से बंद है, वहां पर कोई भी मेमो कोई भी एप्लीकेशन लेने के लिए कोई भी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में इस समय मौजूद नहीं है। तो किसको बताने गए थे अर्जेंसी मैटर, किसको देने गए थे मेमो, किसको जमा कर रहे थे एप्लीकेशन? शहबाज भाई आप किसको एप्लीकेशन जमा करा रहे थे? जब ऑफिसर ही नहीं आ रहा है, रजिस्ट्रार का ऑफिस ही बंद है, तो फिर आप किसको एप्लीकेशन जमा कर रहे थे भाई? खाली लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों में पैनिक क्रिएट करने के लिए, लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए? देखिए साथियों एक तो आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से कि एक तो कोरोना का पैनिक वैसे ही लोगों को जीने नहीं दे रहा है, काफ़ी परेशानी की जिंदगी लोग इस समय बसर कर रहे हैं, कितने लोग खाने के लिए मर रहे हैं, कितने लोग दवा के लिए मर रहे हैं, और ऐसी परेशान हाल लोग हैं। ऐसे में जहाँ पर एक तरफ समाज के बारे में चिंता करनी चाहिए, लोगों की जमीनी सतह पर जाकर के मदद करनी चाहिए, उतनी उस समय भी इस तरह का फितना फैलाना, इस तरह का पैनिक फैलाना, इस तरह का झूठ बोलना किसी भी तरीके से जायज नहीं है, इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो मेमो है वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेमो को रिसीव करने के लिए रजिस्ट्रार का ऑफिस नहीं खुला है, कोई भी अधिकारी इसके लिए नहीं बैठा है, इसके लिए किसी का भी मतलब पूरे भारतवर्ष में किसी का भी कोई भी अर्जेंसी का मेमो, किसी प्रकार का एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में इस समय एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना के वायरस से डॉक्टर संक्रमित हो जा रहे हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि जज और वकील के पास कोई फैमिली नहीं होते, पूरा का पूरा कोर्ट इस समय बंद चल रहा है, हाई कोर्ट में ना के बराबर काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ना के बराबर काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से संबंधित मामलों पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ रही हैं और तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन साथियों इस समय नए किसी प्रकार के भी कुछ दिनों से कोई मेमो अर्जेंसी के नहीं लिए जा रहे हैं। तो इनका ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि इनके एडवोकेट वहां पे मेमो जमा करने गए थे। किसको जमा किए? जमा किए तो आप उसको व्हाट्सअप करिए, उसका पेपर हमें दिखाइए, उसका सबूत दिखाइए। शहबाज भाई वैसे तो आप 50-50 पन्ना पलट पलट के दिखाते हैं, इसका पेपर क्यों नहीं दिखा रहे कि किसको जमा किया, कब जमा किया, किसको जमा करने गए थे? तो ये सारी बातें उनकी पूरी तरीके से झूठ और बेबुनियाद है।
दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वकील एडवोकेटों पे सवाल उठा रहे हैं। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, तमाम लोग फोन के माध्यम से भी पूछते हैं, तमाम लोग ये जानना भी चाहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम में कौन कौन है आज की तारीख में। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम कर रही है, वो देश की सबसे हाई प्रोफाइल लीगल टीम है और पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। इस लीगल टीम में आदरणीय मुकुल रोहतगी साहब हैं, सिद्धार्थ लूथरा साहब हैं, अवतार सिंह रावत साहब हैं, रंजीत कुमार साहब हैं और सदाशिव सर हैं। ये पांच वकीलों की लीगल टीम पूरी मुस्तैदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस केस को देख रही है। अब सवाल ये आता है कि यही शाहबाज भाई हैं, जब ये तेलंगाना का मामला चल रहा था, रात को आकर के एक एक घंटा दो दो घंटा क्या गुलमबान दावे करते थे? ये गुलमबान दावे करते थे कि मामला ये सिपाहियों को नहीं जाएगा, तो ये केस क्लब नहीं होगा, तो तेलंगाना में जमानत नहीं होगी, तो मैं जमानत नहीं होने दूंगा, तो ये करूंगा तो वो करूंगा। लेकिन आखिर क्या हुआ? सारे गुलमबान दावों की हवा निकल गई। इनके पास बड़े काबिल वकील थे, बता रहे थे, हर पेशी में ये जाकर के वहां खड़े रहते थे, लेकिन जब हारने का टाइम आया तो भाग गए। क्योंकि जब श्रीदेवी जी आतड़ी जज महोदया ने जजमेंट सुनाया था तो तब ये दिखाई नहीं पड़े उस दिन, क्योंकि इनको पता था कि हक की जीत होगी और बातिल की हार होगी। और साथियों, मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही होगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपा डॉक्टर नौहीरा शेख, जिस तरीके से तेलंगाना में उन्होंने जीत दर्ज की थी, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी वैसे ही करेंगे। और शहबाज भाई के दावे की पूरी पोल खुल जाएगी, तब ये कोई दूसरा तीसरा बहाना लेकर के फिर लोगों के सामने आ जाएंगे। तो साथियों, किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने घंटे घंटे भर पहले क्रिएट किया था, इनकी बहुत अच्छी लीगल टीम थी, तो क्या कर लिया था इन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में? बहुत सारे दावे इन्होंने अपने अपने हिसाब से रखे, कोर्ट में आके अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन क्या हुआ? तेलंगाना के सारे मामलों में बेल हुई। ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी जापन हीरा शेख को विक्ट्री मिली, जीते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसलिए आ पा गई कि उनको ये कंपनी पूरे इंडिया नहीं, इंडिया लेवल की है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है। नहीं तो क्या करती, एक एक डिस्ट्रिक्ट में केस लड़ती रहती, एक एक हाई कोर्ट के अंदर पटीशन डाल डाल के केस लड़ती रहती। क्या इसमें बुद्धिमानी थी? इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं थी। इसके लिए आपा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और आपा ने पहले ही शुरुआती दौर पे जब ये केस सामने आया था, उसी वक्त आपा सुप्रीम कोर्ट गई। तुरंत उन्होंने अपने एडवोकेट्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कोशिश की कि ऐसा जजमेंट आना चाहिए जो पूरे देश में लागू होना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसी जज की यही बेंच थी, उन लोगों ने कहा था कि आप लोग किसी भी हाई कोर्ट का फैसला लेकर के ही आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो आपा ने वो कानून का पालन किया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस समय आदेश दिया था, हाई कोर्ट के माध्यम से आई, तेलंगाना हाई कोर्ट में विजय हासिल हुई, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और साथियों, ये जो बोल रहे हैं कि तेलंगाना मालेगांव 50 कोर्टों का जो नाम गिना रहे हैं, आप लोग इंतजार करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो भी जजमेंट आएगा, आपा उसको इमीडिएटली फुलफिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपा ने खुद अपने बयानों में तमाम, चाहे मीडिया के माध्यम से कही हो, चाहे ऑफ कैमरा उन्होंने कहा हो या ऑन कैमरा उन्होंने कहा हो, हमेशा उन्होंने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट सुनाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, देखिए सेशन कोर्ट जो कहेगा वो आखिरी फैसला नहीं होता, हाई कोर्ट जो कहेगा वो आखिरी फैसला नहीं होता, लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है आखिरी फैसला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, आपा उसको मान इमीडिएटली तुरंत उस पर अमल करते हुए, उस सारे चीज़ों को फुलफिल करते हुए बाहर आएंगी और इंशाल्लाह सबको पैसा मिलने का रास्ता भी साफ होगा।
आपा का आगे बहुत बड़ा उनका मिशन है, उनका बहुत बड़ा विजन है। अगर उनका बहुत बड़ा मिशन और बहुत बड़ा विजन उनका विजन नहीं होता था, दूसरा कोई होता तो हिम्मत हार जाता था, लेकिन ऐसे साथी लोगों के सामने खड़े होकर पूरी हिम्मत के साथ फाइट करना और इस मामले में लगातार सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में विजय हासिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आपा का जिगर फौलाद का है, उनकी सोच बहुत ऊंची सोच है। और सबसे बड़ी बात है कि आपा की यह सोच 99% लोग समझते भी हैं, 99% लोग इस बात को समझते हैं। यही वजह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी केसेस जहां पर भी चलते रहे, सारे लोगों ने उसका इंतजार किया है। और आप लोगों के सबर की तारीफ करनी होगी, सल्यूट करना होगा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहे हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये जो 14 तारीख को लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो रहा है, ऊपर वाला ना करे कि ये लॉकडाउन और आगे बढ़े, क्योंकि इस समय जो मरीजों की संख्या आपको मीडिया में खबरों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये संख्या निकालने के लिए ही लॉकडाउन किया गया था, वरना यही लोग आगे संक्रमण इनके माध्यम से फैलता, इसीलिए लोगों को लॉकडाउन किया गया था ताकि जितने भी लोग पेशेंट हैं जिनके अंदर भी ये संक्रमण है उन्हें बाहर निकाला जा सके। ये जो बढ़ती हुई संख्या दिखाई पड़ रही है, आने वाले 2-4 दिनों के बाद ये संख्या आपको घटती हुई दिखाई देगी। पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए पहुँच जाएंगे और जो सही लोग हैं उनके लिए पूरी बाजार, ट्रेन, प्लेन सब खोल दिया जाएगा, जैसे कई कंट्रीज में हुआ है। उसके बाद साथियों, 14 तारीख के बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द, यानी 14 तारीख के बाद 15, 16, 17, 18 कभी भी कोई भी डेट बहुत जल्द से जल्द की, मैं डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन जल्द से जल्द डेट मुकर्रर होगी और इंशाअल्लाह कंपनी की जीत होगी, जैसे तेलंगाना हाई कोर्ट में हुई थी। हम ऐसी दुआ ऊपर वाले से करते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट की जीत बताती है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। लेकिन इन लोगों की बेचैनी की इम्तिहा देखिए कि आज भी फितना फैलाने का अपना कार्यक्रम उन्होंने लगातार जारी रखा है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में जो भी जजमेंट आता है, जो भी जजमेंट हाई कोर्ट में आता है, 99.99% सुप्रीम कोर्ट में एज इट इज बरकरार रहता है। आप किसी भी केस को जा करके पढ़ लिख करके, देख करके, स्टडी करके समझ लीजिए। लेकिन उसके पहले नए FIR कैसे कराए जाए, नए कंप्लेंट कैसे कराए जाए, लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए, कंपनी के खिलाफ लोगों को कैसे किया जाए, लोगों के बीच में तोड़ फोड़ करके अंग्रेजों की जो पॉलिटिक्स है कि फूट डालो और राज करो, ये कैसे किया जाए, लोगों के सब्र के बांध को कैसे तोड़ा जाए, इस तरह की पूरी कोशिश शाहबाज भाई की तरफ से की जा रही है, जिस मकसद में ये किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो बात सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि माशाअल्लाह से इस समय जो सुप्रीम कोर्ट की लीगल टीम है वो सबसे काबिल, बहुत ही बढ़िया, और सुप्रीम कोर्ट के टॉप 10 एडवोकेट्स में से वो गिने जाते हैं और वो इस केस के साथ बने हुए हैं। वो जब कोई केस लेते हैं तो सोच समझ के केस लेते हैं, ऐसे ही कोई केस नहीं उठा लेते हैं। हर आदमी अपने रेपुटेशन को सोचता है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात का पूरा ध्यान दिया जाता है, तो किसी प्रकार से इसमें चिंता करने की बात नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का जजमेंट आएगा, कम से कम हियरिंग में आएगा, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट के 50 पन्ने का जजमेंट बहुत कुछ कहता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज पहले वो जजमेंट रीड करते हैं, उसके बाद वकीलों की बहस सुनते हैं और अपने जजमेंट पे आ जाते हैं। तो तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके पलटेगा नहीं, ये कितनी भी कोशिश कर ले। तेलंगाना हाई कोर्ट में इन्होंने वकील नहीं लगाए, कि इन्होंने दुनिया भर के सबूत पेश नहीं किए, इन्होंने सारे तरीके अपना लिए, उसके बाद जाके तेलंगाना हाई कोर्ट से जीत मिली है।
तो साथियों सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही होगा, इनकी फितना फैलाने वाली कोई भी कोशिश किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगी। और शहबाज भाई मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट गए तो किसको उन्होंने मेमो जमा किया, कौन से ऑफिसर का ऑफिस खुला था, रजिस्ट्रार का ऑफिस बंद चल रहा है तो आप क्या वहाँ दीवार के ईंटें गिनने जा रहे हैं? ये झूठी कहानी है, लोगों को पैनिक करने की कहानी है। जिन लोगों से कंप्लेंट करवाया है अब इनके सर पे चढ़ के नाच रहे हैं कि शहबाज भाई आप तो यार पहले बोले थे कि 3 दिन में पैसा मिलेगा, फिर आप बोले थे भाई कि 3 महीने में मिलेगा, फिर भी नहीं मिला, फिर आप बोले थे कि 6 महीने में मिलेगा, फिर भी नहीं मिला, अब यार 1 साल में भी नहीं मिला, शहबाज भाई 1.5 साल हो गए यार नहीं मिला, यार तुमने तो हमको फंसा दिया। तो ये उन लोगों के बीच में एक करंट पैदा रखने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए इस तरह का आलतू फालतू वीडियो बना करके लोगों को डीमोटिवेट करना और अपने लोगों को मोटिवेट करना, इस चीज के लिए बनाते रहते हैं। लेकिन साथियों अपने मकसद में किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आखिरी जजमेंट होता है और इंशाल्लाह इसका जजमेंट आएगा उस दिन। फिर आप भी देख लेना कि राजेश मिश्रा ने क्या कहा था। साथियों इसमें किसी प्रकार से भी घबराने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इनके आप 1000 वीडियो इनके चैनल पे अपलोड होंगे, आप इनका तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले का जजमेंट आने के पहले आप इनके 10 वीडियो देख के समझ जाएंगे किस तरीके की फालतू की बकवास करते थे, लेकिन केस पूरी तरीके से तेलंगाना में हार गए। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में यही हाल होगा, इसलिए इनके किसी बात में आने की किसी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, आप अपनी बात रखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग अपनी बात रखेंगे, आप अपनी दलील पेश करेंगे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी अपनी दलील पेश करेगी, जजमेंट जज को देना है। लेकिन आप बैठ करके शहबाज भाई जजमेंट सुनाने लग जाते हैं, ये गलत है। आप जितने लोगों का मौलाना साहब लोगों का इकराम का नाम आप ले रहे हैं, आपा डॉक्टर नौहीरा शेख ने कभी कहा क्या कि मेरा 2 रुपए किसी ने लिया है या मैंने कभी किसी को 2 रुपया दिया है? आप किस बेस पे कह रहे हैं भाई, क्या आधार है आपके पास ये बात कहने का? कोई आधार नहीं है, ये एक झूठी और फरेबी कहानी है। आपा डॉक्टर ना जो पैसा देने वाले जो व्यक्ति हैं, आपा जो है वो सामने से क्या बोल रही हैं कि मैं बाहर आऊंगी, मैं सभी लोगों को पैसा दे दूंगी, मैंने लिया है मैं दूंगी। जब दो बातें वो सामने से कह रही हैं, इसमें तीसरा चौथा करेक्टर डाल करके और इसको उपन्यास की जैसी घुमाने फिराने वाली कहानी बना करके और मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, उनके अंदर भ्रम पैदा करने का, उनको घुमाने का, उनको डिमोटिवेट करने की, आपकी स्टोरी बनाने की हरकत बंद करो भाई। उम्मत के बारे में सोचो, लाखों लोग परेशान हैं उसके बारे में सोचो, आखिर कानून पे तो भरोसा होगा आपको ना। तो ये सारी बहस आप सुप्रीम कोर्ट में करो, जो कहना है सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलो। मासूम आदमी, गरीब लोग इस समय खाने के लिए मोहताज है, परेशान है, आज कोरोना की वजह से घरों में बैठना पड़ रहा है, तो सोसाइटी के लिए कुछ काम करो यार, विजिल ब्लोअर हो तो। लोगों के बीच में पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है, आपको जो भी बात रखनी है आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रखिए, कोर्ट आपकी बात सुनेगा, जजमेंट सुनाएगा जैसे तेलंगाना में सुनाया था। तो साथियों किसी प्रकार से घबराने की और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथियों मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ कि तबलीगी जमात को लेकर के जो निज़ामुद्दीन में जो हुआ है उस पर भी मैं अपना व्यू रखना चाहता हूँ कि जो तबलीगी जमात के साथ हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत हो रहा है। क्योंकि देखिए तबलीगी जमात एक बहुत बड़ी संस्था है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया में है, जिसके साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। जब भी उनका ये प्रोग्राम चल रहा था निज़ामुद्दीन के अंदर, उस समय न तो कोई लॉकडाउन था, न तो कोई
देश में कोई जनता कर्फ्यू था, सब लोग नॉर्मल तरीके से वीजा लेकर के बकायदे परमिशन लेकर के देश में आए थे और इंडिया के अंदर से लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। तो जब ये लॉकडाउन हुआ, जब जनता कर्फ्यू हुआ, तो कोई जो इंडिया में थे वो तो जहाँ जाना था चले गए, लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं वो कोई टैक्सी और रिक्शा पकड़ के तो नहीं जा सकते थे, उनको तो फ्लाइट से जाना था। और कोरोना के बाद इंटरनेशनल फ्लाइटें काफ़ी प्रभावित हो रही थी। ऐसे में सरकार और मीडिया, जो भी लोग ये फालतू बातें कर रहे हैं नेशनल मीडिया में, इसकी मैं पूरी तरीके से मजम्मत करता हूँ कि लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, चाहिए तो ये था कि मेहमानों को मेहमान की तरह विदा करते। ठीक है, कोरोना का मामला है, कोरोना चेक करने के माध्यम में चेक करो, लोगों को तैयार करो और उनके देशों में उनको भेज दो अच्छे से, उनका वीजा पासपोर्ट सिस्टम के साथ, ताकि दुनिया के दूसरे ममालिक में ये बात ना फैले कि यार इंडिया में जाने के बाद हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था। क्योंकि दुनिया के जब लोग इंडिया में आते हैं तो जो बातें यहाँ पे होती हैं उसका गलत मैसेज हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में जाता है। तबलीगी जमात के प्रवक्ता ने अपना बयान भी जारी कर दिया है कि भाई हमने डीएसपी एसपी से बाकी लोगों से परमिशन लेने के लिए लेटर्स हमने दिए हुए थे। तो इस तरीके से पूरी इतनी बड़ी जमात को डायरेक्टली टारगेट करना और नेशनल मीडिया में फालतू इस तरीके की बातें कहना पूरी तरीके से गलत है। किसी को भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं निशाना बनाना चाहिए। कोरोना की कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। आज सारे मंदिर बंद पड़े हैं, मस्जिद बंद पड़े हैं, चर्च बंद पड़े हैं, गुरुद्वारे बंद पड़े हैं। आज मानवता को बचाने की बात आ गई है, तो जब मानवता बचाने की बात आ गई है तो उसमें धर्म कहाँ से आड़े आ गया? क्यों किसी को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम से बांटा जा रहा है और तबलीगी जमात को डायरेक्टली टारगेट करने का कोई मतलब नहीं बनता? तो जो भी चाहे सरकार की कार्यवाही है, चाहे मीडिया फालतू की बातें प्रोपोगंडा फैला रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को एहतियात बरतने के बारे में बताना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें, ये सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस समय उनका ये कार्यक्रम हुआ था, अगर ये लॉकडाउन के पीरियड में वो कार्यक्रम करते तो उनकी गलती थी, अगर वो जो गाइडलाइन आई थी सुप्रीम कोर्ट की उसके बाद कुछ करते तब उनकी गलती थी। लेकिन 12, 13, 14, 15 उस दरमियान देश के अंदर ट्रेनें भी चल रही थी, प्लेन भी चल रहे थे, लोगों को जहां आना जाना था वो आ जा रहे थे। ऐसे समय पे उनके पास कानूनी अधिकार है अपना कोई भी प्रोग्राम करने कराने का। तो चाहे कोई गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, कोई भी इस तरीके से किसी जमात को इस तरीके से निशाना नहीं बना सकता है। मैं इसकी पूरी तरीके से मजम्मत करता हूँ और इसकी पूरी तरीके से खुले शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। एवं देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए, जो खबरें आपके जीवन से रखती हैं सीधा वास्ता, ऐसी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी।